बेटे को जरा बिजली का बिल भरवा देना, मैं तो भूल गया। एक ऐसा रिश्ता हम अपनी बात नहीं कह पाते। मैंने तो इस शो पर आकर यही सीखा है कविता से स्टार बना जा सकता है। ताकत पीछे खड़ी है ना, इस तरह से उसे याद करते हैं। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा आ गया हूं कविताओं की उस महफिल में, शायरी की उस महफिल में, उस नशिस्त में, उस बैठक में, उस शो में, जिसमें हम सिर्फ भाषा की बात नहीं करते, हम इस देश की धरती की, इस देश के संस्कारों की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, इस वसुंधरा की बात करते हैं। और बड़ा जरूरी भी है, जिंदगी में हंसी बड़ी जरूरी है। और हंसी हमारे घर आंगन में जो है, हमारी बातचीत में आ जाती है, कई बार आ जाती है। हिंदुस्तान में पिता और बच्चों का रिश्ता ऐसा होता है जहां से कई बार हंसी निकलती है, निकलती है ऐसी। जैसे हिंदुस्तान में हर पिता अपने पुत्र को कभी ना कभी जरूर कहता है ये बात। जैसे पिता वो बोले कभी, बेटे को जरा बिजली का बिल भरवा देना, मैं तो भूल गया। नॉर्मली हम चीजें भूल जाते हैं। तो हमारे हर पिता ने एक बात हिंदुस्तान की हर औलाद को जरूर कही है, रोटी खाना तो नहीं भूला तू। आप कुछ भी कर सकते हैं, हिंदुस्तानी बाप से जीत नहीं सकते। और जीतना भी क्यों है, क्योंकि तो पिता एक ऐसा शब्द है जिसे परिभाषित करना न तो संभव है ना उचित है। हम उसे क्या परिभाषित करेंगे? आप बस में बैठते हैं, उसके ड्राइवर को नहीं जानते, लेकिन हम सीट पे जाके पसर जाते हैं, आराम से बस चलती रहती है। आप ट्रेन में बैठते हैं, आप नहीं जानते कि इसका जो इंजन है उसे कौन चला रहा है, लेकिन आप चादर लेते हैं सो जाते हैं। आप एक लंबी फ्लाइट में बैठते हैं, आपको नहीं मालूम कि पायलट कौन है, और आप रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप सुरक्षित हाथों में। जब तक पिता होते हैं हम ऐसे ही सुरक्षित जीवन की गाड़ी में चलते रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम एक सुरक्षित हाथों में। एक सेब का पेड़ था, सेब से लदा, एक बच्चा आता रोज खेलता वहां पे उस पेड़ के आसपास। पेड़ को बड़ा अच्छा लगता कि बच्चा मेरे साथ खेलता है, कभी हाँ हाथ लगाता, कभी वहां हाथ लगाता, खूब खेलता। कुछ दिनों बाद उसने आना बंद कर दिया, पेड़ बड़ा उदास हो गया कि बच्चा आता क्यों नहीं है। कुछ साल बीते, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो आया, अरे तुम कहाँ थे भाई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम खेलते क्यों नहीं आजकल मेरे साथ। अरे बोले नहीं, अब आपके साथ खेलने मजा नहीं आता, मेरे को खिलौने चाहिए, मेरे को खिलौने खेलने में मजा आता है, लेकिन मैंने खिलौने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। तो पेड़ ने कहा चिंता मत करो, मुझ पर इतने सेब लदे, भरा पूरा हूँ, सेब तोड़ के ले जाओ, बेच दो, जो पैसे मिलेंगे उनसे खिलौने खरीद लेना, खेलना। बच्चे ने तोड़ लिए, गया खिलौने लिया, खेलता रहा। फिर कुछ सालों नहीं आया, पेड़ और उदास हो गया कि कहाँ है, क्यों नहीं आया। कुछ सालों बाद आया, बोले मैं तुम्हारा इतना इंतजार करता रहा, अब नहीं आया। कि नहीं नहीं, अब मेरा मन नहीं लगता, खिलौनों से भी जी भर गया, अब तो मैंने शादी वादी कर ली है और सब हो गया, अब मेरे पास मकान नहीं है, मकान बनवाने के लिए मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उस पेड़ ने कहा कि मेरे पास इतनी लकड़ी है, इतनी डालियाँ हैं, काट लो, ले जाओ, इसे अपना मकान बना लो। लड़के ने यही किया, ले गया, काटा, मकान बना लिया। बहुत साल बीत गए, न इस पे सेब बचे, न लकड़ियां बची, और उसकी जिंदगी में ज्यादा दिन नहीं बचे, बहुत बूढ़ा हो गया। तो उस पेड़ के पास आया, पेड़ ने कहा क्या लेने आए हो, न मेरे पास देने को सेब है, न मेरे पास देने को लकड़ियां हैं, अब क्या दे सकता हूं मैं तुम्हें। बोले नहीं, अब मेरे पास रहने के लिए भी ठिकाना नहीं है, मैं कहां जाऊं, समझ में नहीं आता। तो पेड़ ने अपनी जड़ों के पास जगह दे दी और वह रहने लगा। जिंदगी में भी यही करते हैं, जब हमें चाहिए होता है तो हम पिता के पास जाते हैं, और पिता को हमारी जरूरत है या नहीं ये हम जानना नहीं चाहते। लेकिन पिता तो वो पिता होता है कि सेब निकल जाए, लकड़ियां निकल जाए, सब कुछ खो जाए, उसके बाद भी अपनी जड़ों में हमें अपनी जगह देता है, वो होता है पिता। और इस दुनिया में मां पे बहुत लिखा गया, लेकिन शायद पिता का त्याग जो है वो कवियों और शायरों की निगाह में इतना नहीं आया। और उनकी निगाह में कैसे आता जब हमारी निगाह में नहीं आया। हमें तो लगा पिता का जन्म इसीलिए हुआ है कि वो मेहनत करेगा, कमाएगा, हम सबको खिलाएगा, और उसकी इच्छा क्या है ये हम जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे। आप अपने अपने माता पिता को, ये जो अभी से आपकी आंखों में आंसू तैर रहे हैं, ये जताते हैं, ये बताते हैं कि हमने सिर्फ कभी ध्यान नहीं दिया, उस बारे में सोचा नहीं, देखा नहीं। हमें अपने मनोरंजन के लिए पैसे चाहिए, क्या उनका मनोरंजन होता है, हमने जाना भी नहीं।
हमें कपड़े चाहिए तो चाहिए, वो एक शर्ट कितनी सालों से पहन रहे हैं हमने देखा भी नहीं। कॉलेज में फंक्शन है, पैसे जमा कराने चाहिए, उस आदमी ने कितने वक्त की रोटियां नहीं खाई आपको पैसे देने के लिए, ये हमने जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए आज हमने फैसला किया कि हम एक ऐसा एपिसोड बनाएंगे जो दुनिया भर के पिताओं को समर्पित होगा, और आज उसी एपिसोड के लिए हम आपके सामने हैं। वाह भाई वाह, पिता विशेष। और तीन ऐसे रचनाकार जिनके पिताओं को सबसे ज्यादा खुशी होगी इन्हें यहां देखकर, क्योंकि तीनों पहली बार टेलीविजन कैमरे के सामने आ रहे हैं और एक खास एपिसोड में आ रहे हैं। हमारे साथ है मोहित शौर्य जो गाजियाबाद से हमारे बीच में आते हैं। हमारे साथ अमर यदुवंशी जो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और वो हमारे बीच में आते हैं। हमारे साथ है अमर तिवारी आजाद जो जयपुर से हमारे बीच में आते हैं। आज इस एपिसोड के पहले जब अमर यदुवंशी मुझसे मिले, बातचीत हुई कि तुम क्या पढ़ोगे, उसके बाद वो मेरे कंधे पे सर रख के फूट फूट के रोने लगे कि सर मेरे घर वालों को यकीन नहीं है कि मैं टेलीविजन पे आऊंगा। और अमर आज आप ही के घर वाले आप पर गर्व करेंगे, और जिस पिता की बात आज हम करेंगे वो पिता घर पे बैठ के तालियां बजाएंगे कि मेरा बेटा बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी जुगाड़ के, बगैर कोई चीज किए, सिर्फ अपनी कविता के दम पे आज यहां उपस्थित है। तो आइए दुनिया भर के पिताओं को समर्पित करते हैं आज का ये विशेष एपिसोड, और सबसे पहले मैं उसमें आवाज देना चाहता हूं अमर यदुवंशी को जोरदार तालियों के साथ। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार करना चाहूंगा शैलेश सर का कि इस युवा को मौका दिया इतने बड़े मंच पे आने का और अपनी बात रखने का। आज जो विषय है जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिता विशेष, और एक ऐसा रिश्ता जो एक हेजिटेशन से भरा हुआ रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता हम अपनी बात नहीं कह पाते, हम अच्छे से पापा को आई लव यू नहीं बोल पाते, एक पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दा को मैं आज हटाने की कोशिश करूंगा अपनी पंक्तियों के माध्यम से। हाँ अमर, तो सबसे पहले जब भी मेरे शब्दों का मेरे भावों से तुकांत रूप में आलिंगन होता है तो कविता प्रस्फुटित होने लगती है। तो मेरी कविता का शीर्षक है पिताजी। माना कि थोड़े हैं कठोर पिताजी, पर पारिवारिक पतंग की है डोर पिताजी। वाह। पर पारिवारिक पतंग की है डोर पिताजी, जब जब परेशानियों का सामना हुआ, जब जब परेशानियों का सामना हुआ, तब तब दिखे मुझे चारों ओर पिताजी। आए हाय, आए हाय, वाह। तब तब दिखे मुझे चारों ओर पिताजी, अंधेरा कर रहा था रात बनकर कत्ल की कोशिश। अंधेरा कर रहा था रात बनकर कत्ल की कोशिश, एकदम से बन गए थे नई भोर पिताजी। वाह वाह वाह, एकदम से बन गए थे नई भोर पिताजी, और कई दफा अटका था अपनी मंजिलों पे मैं, कई दफा अटका था अपनी मंजिलों पे मैं, एकदम से रास्ते का छोर बन गए पिताजी। वाह वाह वाह, एकदम से रास्ते का छोर बन गए पिताजी, और तब तो और मिला मुझे उम्मीद से ज्यादा, तब तो और मिला मुझे उम्मीद से ज्यादा, जेब से जब भी रहे कमजोर पिताजी। हाय हाय, जेब से जब भी रहे कमजोर पिताजी, अकेलापन खामोशी तुम सब हद में रहो, अकेलापन खामोशी तुम सब हद में रहो, वक्त वक्त पर हो जाते हैं शोर पिताजी। हाय हाय हाय, वक्त वक्त पर हो जाते हैं शोर पिताजी, यूं तो झुर्रियां दस्तक दे रही हैं उनके चेहरे पे, यूं तो झुर्रियां दस्तक दे रही हैं उनके चेहरे पर, यूं तो झुर्रियां दस्तक दे रही हैं उनके चेहरे पर, पर जरूरत पड़े अभी तो है पुरजोर पिताजी। वाह वाह, जरूरत पड़े अभी तो है पुरजोर पिताजी, और ऐसे ही वक्त पर घर जगाते रहे तो, ऐसे ही वक्त पर घर जगाते रहे तो क्या ही करेंगे गांव के मोर पिताजी। वाह वाह, क्या ही करेंगे गांव के मोर पिताजी। और अंत में यही बात बोलूंगा मैं कि जिसके पास पिता है वो सब शुक्र मनाइए, जिसके पास पिता है वो सब शुक्र मनाइए, पितृविहीन लोगों के भी पास कभी जाइए, पितृविहीन लोगों के भी पास कभी जाइए, कद्र कीजिए इस तोहफे की जो खुद ईश्वर ने सौंपा है,
कद्र कीजिए उस तोहफे की जो खुद ईश्वर ने सौंपा है। खुशियां देकर उनको आभारों को कम करने का मौका है। और ये कविता इस मंच पर मेरे अंतर योग का परिणाम है। और अंतर द्वंद अभी भी मन में, पिता ईश्वर है या इंसान। आए हाय, आए हाय, वाह 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 अमर वाह। क्या बात है अमर, मेरे पास बहुत ज्यादा शब्द नहीं है कहने के लिए, और ऐसी कविताओं के बाद कुछ कहना भी नहीं चाहिए। अपने आप में जो कुछ आपने कह दिया बहुत कुछ से ज्यादा था। मेरे मन में अब भी अंतर्द्वंद है कि ईश्वर है या इंसान पिताजी। सचमुच अगर आप ध्यान से देखें उनकी यात्रा को, उनके सफर को, तो लगता है यार ये आदमी किसी और ही माटी से बना। कोई पिता, खासतौर पर हिंदुस्तानी पिता, अगर पिता का बेटा जवान हो जाए कमाने लगे, मैंने एक भी पिता ऐसा नहीं देखा जो बेटे से खुद कहे कि मुझे जरा पैसा दे दो, जरूरत है। एक पिता ऐसा नहीं देखा जो नाराज भले ही हो लेकिन प्यार जताए ना, लेकिन मुसीबत के वक्त वही खड़ा होता है। और हिंदुस्तानी पिता सबसे ज्यादा तब खुश होता है जब उसके बेटे का नाम उससे बड़ा हो जाए। यह सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। सारी जिंदगी जो पुत्र अपने पिता के नाम से जाना जाता है कि ये उनका पुत्र है, एक पिता को खुशी तब मिलती है जब दुनिया ये कहे कि मैं उसका पिता हूं। इससे बड़ी खुशी मिल नहीं सकती। और आज मुझे लगता है मोहित शौर्य वही खुशी देंगे अपने पिता को कि जब वो कहेंगे लोगों को कि मोहित शौर्य का पिता मैं हूं, क्योंकि वो वाह भाई वाह में जाके कविताएं पढ़ता है। मोहित शौर्य, दादा आज से 4-5 साल पहले जब एक्टिंग छोड़ करके घर गया, सीरियल छोड़ करके घर गया, तो बहुत सारे लोग नाराज हुए। मेरी बहनें बहुत नाराज हुई कि तू ये क्या कर गया, तुझे स्टार बनना था, तू आगे कविताएं लिखने लगा। मैं आज इस शो पर हूँ, इस इतने बड़े मंच पर हूँ, मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। सुना। कि कलमकार चाहे तो तूफान ला सकता है, मेहनत से भी खूब कमा खा सकता है, मैंने तो इस शो पर आकर यही सीखा है, कविता से स्टार बना जा सकता है। हाय वाह, कविता से स्टार बना जा सकता है। लेकिन दादा इसी बीच जब सभी मुझसे नाराज थे, एक व्यक्ति था जो मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं था, जिन्होंने मेरी सारी चीजों को सपोर्ट किया, वो मेरे पिता थे। मैं एक गीत बहुत छोटा सा अपने पिता को समर्पित करना चाहता हूँ। सुनाओ मोहित। मैं सुनाता हूँ। गम की रातों में भी आंसू को छिपा कर रोना, गम की रातों में भी आंसू को छिपा कर रोना, कितना मुश्किल है जमाने में एक पिता होना। क्या बात है। गम की रातों में भी आंसू को छिपा कर रोना, कितना मुश्किल है जमाने में एक पिता होना, वो भरी धूप में अंगार सा दहकता है, घर में आते ही पर एक फूल सा महकता है, अपने आंगन से मिटाने को सभी अंधियारे, एक जुगनू की तरह रात भर चमकता है, फर्ज के कर्ज की चादर को ओढ़ कर सोना, फर्ज के कर्ज की चादर को ओढ़ कर सोना, चादर को ओढ़ कर सोना, कितना मुश्किल है जमाने में एक पिता होना, गम की रातों में भी आंसू को छिपा कर रोना, कितना मुश्किल है जमाने में एक पिता होना। बन सुनेगा। मेरे दिल ने कोई सपना कहीं बोया होगा, बस यही सोच के वो रात ना सोया होगा, मेरी गलती पे मुझे डांट या सजा देकर, खुद भी चुपके से अकेले में वो रोया होगा, खुद भी चुपके से अकेले में वो रोया होगा, सबकी मंजिल को ढूंढने में ही खुद को खोना, सबकी मंजिल को ढूंढने में ही खुद को खोना, कितना मुश्किल है जमाने में एक पिता। हाय हाय। गम की रातों में भी आंसू को छिपा कर रोना, कितना मुश्किल है जमाने में एक पिता होना। और दादा पिता ने हमें क्या दिया और हमने पिता को क्या दिया, मैं सौंपता हूँ।
तेरी मेहनत ने मुझे ओज उजाले ही दिए, मेरी हरकत ने तो दिन भी तेरे काले ही किए, तेरी रातों ने मेरे हाथ में मंजिल दी है, मेरे सपनों ने तेरे पाँव में छाले आए हाय, मेरे सपनों ने तेरे पाँव में छाले ही दिए, अपनी राहों के हर एक फूल पे कांटे बोना आए हाय, अपनी राहों के हर एक फूल पे कांटे बोना, कितना मुश्किल है जमाने में एक पिता होना, गम की रातों में भी आंसू को छिपा कर रोना, कितना मुश्किल है जमाने में एक पिता होना, कितना मुश्किल है जमाने में एक पिता होना, कितना मुश्किल है जमाने में एक पिता होना। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया मोहित। सचमुच आज ये एपिसोड बड़ा विशेष है, बड़ा खास है, क्योंकि ये पिता विशेष है। आज की जितनी कविताएं हैं वो पिता को समर्पित है। पिता का एक स्वरूप बताया मोहित शौर्य ने, कितना मुश्किल है जमाने में पिता होना। एक स्वरूप बताया अमर यदुवंशी ने, यूं तो बड़े कठोर दिखते हैं पिताजी। और अब एक और स्वरूप के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं जयपुर के अमित तिवारी आजाद, जोरदार तालियों के साथ। सबसे पहले मैं आदरणीय भाई साहब का अभिवादन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच पर मौका दिया। सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं और एक मुक्तक से पिता के लिए मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि किताबों में बहुत है मंत्र, सब जपना नहीं होता। किताबों में बहुत है मंत्र, सब जपना नहीं होता। खुली आँखों से जो देखा वो सच सपना नहीं होता। जमाने में तो वैसे है बहुत रिश्ते निभाने को, पिता से बढ़ के दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। पिता से बढ़ के दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। ऐसा गीत निवेदित करता हूँ। पिता का दर्द क्या है और एक पिता और पुत्र के बीच का संबंध क्या है? पुत्र क्या कहता है अपने पिता से कि पिता तू हमारे लिए आसमां है, पिता तू हमारे लिए आसमां है, और दुआओं से तेरी ये मेरा जहां है, दुआओं से तेरी ये मेरा जहां है, पिता तू हमारे लिए आसमां है। है दुनिया में तेरी जरूरत हमें ही, है दुनिया में तेरी जरूरत हमें ही, तू मेरी अंधेरी गली की शमा है, तू मेरी अंधेरी गली की शमा है, पिता तू हमारे लिए आशमा है। बंद निवेदित करता हूँ कि तेरी गोद में हमने बचपन बिताया, तेरी गोद में हमने बचपन बिताया, खुशी दे हमें तूने हर गम छिपाया, खुशी दे हमें तूने हर गम छिपाया, चला मैं जहाँ छाँव तेरी वहाँ है, चला मैं जहाँ छाँव तेरी वहाँ है, पिता तू हमारे लिए आसमां है, क्या बात है, पिता तू हमारे लिए आसमां है, पिता तू हमारे लिए आसमां है। दूसरा बंद निवेदित करता हूँ, जो गिरता कभी थाम लेती थी बाहें, जो गिरता कभी थाम लेती थी बाहें,
जानती थी निगाहें गलत क्या सही, जानती थी निगाहें जो तू साथ है दर्द मुझको कहाँ है, जो तू साथ है दर्द मुझको कहाँ है, पिता तू हमारे लिए आसमां है, तू फौलाद बनकर रहा साथ मेरे, तू औलाद बनकर रहा साथ मेरे, न आने दिए अंधकारों के घेरे, न आने दिए अंधकारों के घेरे, तू भगवान धरती पे मेरा यहाँ है, तू भगवान धरती पे मेरा यहाँ, पिता तू हमारे लिए आसमां है, पिता तू हमारे लिए आसमां है। क्या बात है अमित, वाह वाह अमित तिवारी वाह। बहुत बहुत बधाई। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, मां पे बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन आज जो हमने सुना जो पिता पर लिखा गया, जिंदगी में कुछ रिश्ते हम बड़े, अंग्रेजी का शब्द है इसका सही सही हिंदी अनुवाद नहीं हो सकता, हम बड़े टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है ना, पिता का काम है, करता है, करेगा, लेकिन वो जो ताकत पीछे खड़ी है ना, हम इस तरह से उसे याद करते हैं। तब जाते जाते इस पिता विशेष में मैं कुछ नहीं कहूंगा, इन तमाम कविताओं के बाद मेरी दो पंक्तियां मुझे अचानक याद आ गई जो आज मैं कहना चाहता हूं, और मैंने शायद उसे मंच पर कभी नहीं सुनाया, लेकिन आज याद आ गई तो कहता हूं कि मैं हारूंगा नहीं, ना मैं हारा हूं, ना मेरी कोशिशें शर्मिंदा है, अरे जाके मुश्किलों से कह दो औकात में रहे, मेरा बाप भी जिंदा है। वाह भाई वाह।